असल नाजरीन आप देख रहे हैं जी फाइव न्यूज़ एच डी मैं हूँ राना खुरम इशफाक आज आपकी मुलाकात एक ऐसे बाहिमत शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है वक़ार अलीन का नाम है आज से कुछ अरसा पहले एक कार एक्सीडेंट होता है उस कार एक्सीडेंट की वजह से ये चलने से महरूम हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद ये हिम्मत नहीं हारते अल्लाह ताला इनको हिम्मत देता है इन्होंने अपनी मज़दूरी को कमज़ोरी नहीं बनाया इनका एक मकसद था कि मुझे आगे बढ़ना है और कुछ ना कुछ करना है अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो ये सामने वार्ड्स जितने मौजूद हैं इस वक्त ये सब इन्होंने ही अचीव किए हैं और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ के ये नेशनल क्रिकेट टीम के प्लेयर भी हैं जो एक कार हादसा पेश आया था उस कार हादसे की वजह से इनकी वादा की भी डेथ हो गई थी आइए वो कार से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या हालात बने किस तरह ये सारे मामला बने और उनको किन किन मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ा असलरिम वालेकाम जी जी आप सब आते हैं थैंक्स हम शुक्रगुजार हूँ और बस ऊपर वाले का करम है मेरी कोई औकात नहीं बड़ा सिंपल सा इंसान हो मैं बस हिम्मत करता हूँ हिम्मत नहीं हारता अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि ये हादसा किस तरह पेश आया और कब पेश आया है जी ये हादसा बस सोचने से भी कभी कभी दिल घबराता है ये 98 में मोटरवे पे हम जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ था मेरी मदर की डेथ हो गई थी और गाड़ी तेज़ थी तो हैवी एक्सीडेंट था तो वी गाड़ी की टिकी अंदर वाली सीट तक लग गई थी और मैं पिछली सीट पे था तो मुझे लोगों ने साइड के शीशों से ना निकाला था और मेरी मैं बेहोश नहीं हुआ था मेरी बहुत बुरी हालत थी हर जगह से ब्लीडिंग हो रही थी टांग की हड्डी टूट गई थी बाज़ू की हड्डी टूट गई थी सर डैमेज था और मेरे दो स्पाइनल कोट को दो मोरे हिट करके स्पाइनल कोट इंजरी हो गई थी बस मैंने फिर एड्रेस वगैरह दिया सबको तो उसके बाद लोगों ने फिर मुझे हॉस्पिटल जैसे जाते हैं फिर वहाँ पे तो लोग जो उनसे थे वो मौके पे इकट्ठे हो गए थे सारे वहाँ पे जी काफ़ी लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे फिर मैंने जब एड्रेस दिया फिर मेरे दोस्त यार घर वाले बकाया सारे आ गए फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ फिर वहाँ पर ट्रीट हुआ ये बड़ा दुख है कि मेरी वालदा की वहीं पर डेथ हो गई थी तो बस माँ का दुख था लेकिन मुझे पता नहीं था मुझे काफ़ी दिनों के बाद बताया गया और फिर मुझे डॉक्टर मुझे यहाँ पे पूरी बेड लगी हुई थी तो डॉक्टरों ने कहा कि आप इनशाला चल चल सकोगे मैं हिम्मत वाला इंसान हूँ मैंने कहा चलो ठीक है लेकिन बाद में पता चला कि नहीं चल सकता मैं हिम्मत हार गया था फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर वालों ने और मेरे जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है कि मुझे दोबारा हिम्मत देने में कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं और करीबी जो ख़ास तौर पे घर वालों ने मेरी सिस्टर ने मेरी बड़ी केयर की क्योंकि मैं ये कहूँ मेरी सिस्टर मेरी माँ है तो ये कोई ये वाकई हकीकत है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया मैं कभी उनका देना दे नहीं सकता और अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे उन्होंने मुझे संभाला मेरी केयर की बल्कि वो मेरी माँ हैं अगर दुनिया है, कायनत में जितनी भी माएँ वो एक तरफ हों और वो एक मेरी सिस्टर एक तरफ हों फिर भी उनका पल्ला भारी होगा क्योंकि आजकल के ज़माने में चलते फिरते इंसान का कोई कुछ मतलब उनके बारे में नहीं सोचता तो मैं तो फिर स्पेशल हूँ और इस तरह चल नहीं सकता तो उन्होंने मुझे जैसे तली पे छाला होता है वैसे रखा है मेरी बहुत केयर करती है। अच्छा हैं अच्छा मुझे ये बताएं जिसको ये हादसा पेश है उसको आपकी एज क्या थी जी मेरी एज अठारह साल थी हादसे से पहले जो हालात थे किस तरह की आप जिंदगी गुजार रहे थे जी मैं हादसे से पहले माशाल्लाह मैं डीपीएस में पढ़ता था तो जब मैं दस ग्यारह साल का था तब मैं सीनियर लड़कों में मुझे स्पोर्ट्स के लिए लेके जाते थे फुटबॉल में भी मैंने तब कब जीते थे दस साल की उम्र में और मैं जितनी अब हमारी एज अट्ठाईस सताईस साल जो भी है तो उतनी एज के लड़कों के साथ मैं ग्यारह साल की उम्र में भागा था और जीता था और मेरे में दौड़ में मैं बहुत तेज़ भागता था फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता रहा तो मैं जब मैं पंद्रह साल का चौदह पंद्रह साल का होता मुझे क्रिकेट का बड़ा जुनून हो गया तो मैं क्रिकेट वगैरह खेलनी शुरू कर दी फिर मैं हार्ड बॉल खेलता था लेकिन हार्ड बॉल ज़्यादा चौदह पंद्रह साल के लड़के इतने खेलते नहीं थे हमारी टेप बॉल की बॉल गेम होती थी जिसमें मेरे कैप्टन हैं शाहिद अजमल भट ठीक है और मेरे और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं तसद तो अली और अवैस ठीक है काशिफ और मतलब काफ़ी ऐसे दोस्त यार हैं जो हम खेलते थे और मैं ओपनर बैट्समैन था और बड़ा अच्छा रहता था हम काफ़ी हमने काफ़ी टीमों को हराया है और मेरे सुनने में ये है कि आपको जौंडी डोर भी कहा जाता था जी जी जॉन्टी रॉल्स कहा जाता था और वो बड़े लोगों ने मुझे कहा है क्योंकि जब मैं हार्ड बॉल के गेम मैचेस सीनियर लड़कों में खेलते थे ना तो आपको बताया है, तो मैं टूर्नामेंट जिताए हुए हैं एक कैच मैंने पकड़ा था वो मेरी यहाँ से सिलाई फिर गई थी लेकिन कैच नहीं छोड़ा था और एक दफ़ा कीपिंग कर रहा था बॉल को ऐसे पकड़ने लगा बॉल, बॉल, बॉल को नीचे को गया फर्स्ट टाइम था मुझे नहीं पता था बॉल को पकड़ने गया तो बॉल को ऐसे गया तो बॉल ऐसे लग गई इधर तो मैं कह रहा हूँ यार मेरा कान फट गया लेकिन मेरे इधर से खून निकल रहा था क्योंकि सूंजू हो गया था बंदा तो पता नहीं चल रहा था तो ये है कि फिर गए स्टिचिंग लगवाई तो उसके बाद मैं बारी लेने आ गया दोबारा मतलब हमारी जब बारी आई तो मैं बारी लेने आया तो अच्छा रहा ऐसे चलते रहे काफ़ी मैंने कैचेस पकड़े हैं कभी आप देखें पहले क्या हालात थे अब भागते थे दौड़ते थे फुटबॉल खेलते थे क्रिकेट खेलते थे उस वक़्त तो और आपके आपकी जो लाइफ में काफ़ी इसमें चेंजिंग आ गई है कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि काश मैं वैसा था वही सही था क्योंकि जिस वक्त मतलब डिसेबल हो जाता है ना तो फिर हज़ार जो बातें जहन में आती हैं जी जी ऐसा स्टार्ट स्टार्ट में होता था बड़ा इस तरह मायूस होना यार काश मैं वैसे होता लोगों को देखता आते जाते मैं कैसे जाऊँ ये करूँ लेकिन फिर अल्लाह पाक का करम है वैसे मैंने हिम्मत की मेरे फ्रेंड्स बताया था कि शायद अजमल अजमलब वो मेरा बड़े मेरे साथ हर तरफ़ आना जाना मुझे अभी भी अभी भी कभी कोई चीज़ मंगवानी होती है तो मैं कहता हूँ यार बाट साहब इधर ये ले आओ वो मतलब वो रहते हैं मोची साइड पे मोची दरवाज़े वाली साइड पे तो मोची वहाँ से मेरे लिए फिर बाइक पे जब भी कोई चीज़ को तो वो ले आता है और मेरे साथ बड़ा प्यार है जब हम ठीक थे हम ड्रेसिंग करनी इधर हर तरफ लिबर्टी फोर्ट्रेस घूमना फिरना जैसे ही होता है ही ही। मतलब ऐसे लाइफ गुजरी है और काफ़ी अच्छा रहा है और आज भी मैं बड़ा खुशनसीब हूँ मेरे साथ मुफलिस ऐसे दोस्त हैं जो आज भी मेरे साथ हैं और मेरी मेरे साथ मेरा हाथ बटाते हैं हर चीज़ में मुझे ये बताएं कि आप चल नहीं सकते लेकिन आप क्रिकेट टीम में किस तरह आए हैं जी मैं आप बिल्कुल सही कहते हैं कि लोग सोचते होंगे कि भाई ये चल नहीं सकता कैसे आगे असल में मैं ना मुझे क्रिकेट का जुनून था ठीक है बाद में मैं सोचता था यार कहाँ से कुछ ऐसा हो कि मैं जाऊँ आऊँ जाऊँ तो मैंने कहा यार अब नहीं आना जा रहा हो रहा तो मैंने अपनी बैल्नी में बॉल टांगा और जैसे प्रैक्टिस करते हैं मैं प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तब लाइव वीडियोस भी डालने का थोड़ा नया नया रुझान था तो मैं लाइव वीडियोस डालता था तब मुझे कुछ अरसे के बाद एक कॉल आई कि पी डब्ल्यू सी सी पाकिस्तान वीचर क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं शान सर ठीक है उनकी कॉल आई कि बेटा माशा आपको हमने देखा है तो आपकी लगन मेहनत दे के हमने ये सोचा है आपको चांस दिया जाए टीम में तो मुझे इससे इतनी खुशी हुई मैं क्या बताऊँ तो मैं बहुत हैड्स मैं बहुत थैंकफुल और हैड्स ऑफ करता उन्हें कि उन्होंने मुझे चुना और पाकिस्तान वीचर्स क्रिकेट कौंसल में चांस दिया क्रिकेट खेलने का और मैं बड़ा पुरुद हूँ खुश हूँ कि वो मेरा वैसे बड़ा ख्याल रखते हैं मैडम मुखसाना और शान भाई और वो हमारे पूरे जैसे हम फैमिली मेम्बर हैं वैसे हैं तो वो बहुत केयर करते हैं कि मे बी कभी कोई इवेंट्स ऐसे होते हैं तो होटल्स के अरेंजमेंट्स करते हैं एवरी करते हैं कि हमें उन्होंने मतलब बहुत फैसिलिटीज़ दी हुई हैं तो मैं यही दुआ गवाऊँ कि परवरदिगार उन्हें सेहत दे ज़िंदगी दे क्योंकि आपके सर पे जैसे माँ बाप होते हैं आपका ख्याल रखते हैं वैसे ही वो हमारे सर पे हैं हमारे माँ बाप ही हैं वो तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे तंदुरुस्ती दे मैं सेंट्रल पंजाब का प्लेयर हूँ मैं सेंट्रल पंजाब की तरफ से खेलता हूँ मतलब तो तर इस तरह हों और वो शौक मेरा खुदा ने पूरा किया है और मैं जितना शुक्र करूँ जितना शुक्र करूँ जितना शुक्र करूँ कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है क्योंकि हम एक आम से बंदे हैं इंसान हैं तो मिट्टी के पुतले हैं हम तो ऊपर वाले का इतना करम है कि उसने मेरी ये इतनी इतनी ख्वाहिशें पूरी की कि मैं गवर्नर पंजाब को भी मिलाऊँ कई दफ़ा कई पी एस एल दो साल पहले हुआ था यहाँ पे तो मैं और मेरे फ्रेंड्स गए और वहाँ पे मेरा दोस्त है शहबाज़ और उसने मुझे शबाज़ मेरा दोस्त है वो मुझे साथ लेके गया और हम दोनों जाके हमने पीसी फिर वहाँ पे जूस वूस पिए और उसमें फिर प्लेयर्स जैसे आते रहे तो हम पिक्स बना उन्होंने भी बड़े प्यार से बनाई और मैं कुछ प्लेयर्स का नाम लेना चाहूँगा जैसे क्या नाम है डैन समी इज़ वेरी लवली गाय क्योंकि वो जब मेरे साथ इस तरह करके ये शायद पिक भी होगी इधर तो बड़ा अच्छा और और भी काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें हमारा शादाब खान वो भी बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से और इमरान तख़िर और काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं और ख़ास तौर पर कई ऐसे प्लेयर हैं जो जिनका लेजेंड है जिनमें वसीम बारी साहब जो बेस्ट फील्डर ऑफ़ दी बेस्ट विकेट कीपर ऑफ़ दी वर्ल्ड थे तो रिची रिचर्डसन इस तरह और मतलब अल्लाह रमीज राजा जी जो इस वक्त रमीज राजा साहब जो इस वक्त हमारे ए, टीम के मैनेजर सॉरी पीसीबी के चेयरमैन हैं तो उनके साथ भी पिक्स हैं तो अच्छा मुझे ये बताएं कि विकी पाकिस्तानी जो है वो आप कब बने हैं जी अल्लाह की मैं असल में बात यह है मैं अपने जब यहाँ पे मैच देखने जाता था मैं बड़ा अप्रीशेट लोगों को करता नारे लगवाता तो काफ़ी वीडियोस भी मेरे पास पड़ी हुई हैं तो पी एस एल के मैचों में पाकिस्तान जिंदाबाद तो फिर एक मेरे दोस्त ने कहा कि यार अक्सर कहते यार पाकिस्तानी हो क्या नाम है मैंने कहा वक़ार अली विकी कहते हैं, आज के बाद हम आपको वक्की पाकिस्तानी कहेंगे मैं आया कह यार वाह वारे वाह ये तो गुड हो गया मैं तो बड़ा खुश हूँ इस नाम से तो कई लोग मुझे वक्ी पाकिस्तानी भी कहते हैं जैसे वो चाचा पाकिस्तानी है ऐसे मुझे कई लोग कहते हैं वक्ी पाकिस्तानी नाम से भी कई लोग जानते हैं और मैं बड़ा प्राउड कि मुझे पाकिस्तानी है क्योंकि पाकिस्तान मेरी शान है हमारी आन है हमारी जान है पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान के हम ये है कि मेरी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ करूं इस तरह स्पेशल पर्सन होते भी कुछ करूं मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और अल्लाह बाग ने इज़्ज़त दी कि नेशनल प्लेयर ऑफ पाकिस्तान वीचर क्रिकेट कौंसल हूं और माशाल्लाह मैं अलग-अलग शहरों में जाके इवेंट्स हुए हैं बड़े बड़े उधर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और हमेशा यही उम्मीद है कि मैं आगे भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा और पाकिस्तान के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन से टूर्नामेंट जो है वो जीते हैं और लास्ट टूर्नामेंट आपने कौन सा खेला है जो आपने विन किया है अच्छा जी मैंने माशाल्लाह हम मैंने तीन चार टूर्नामेंट जीते हुए हैं एक में कराची प्रीमियर लीग जीती है और एक पी सी एल ये लास्ट ये, ये ये हुई थी ये पिछले साल के जन जनवरी में तो वो उसमें पाकिस्तान से पूरी टीमें थी तो लाहौर सिकंदर ने विन किया है पी डब्ल्यू सी सी के ए, अंडर हुआ था ये और माशाल्लाह ने इज्जत दी और उसके बाद अब ये कुछ पंद्रह सोलह दिन पहले की बात है टी टेन चैम्पियनशिप सेकेंड टी टेन चैम्पियनशिप हुई थी लाहौर फैसलाबाद और शयालकोट की और जिसमें लाहौर ने विन किया था और माशाल्लाह मैं फ़र्स्ट मैच में मैं नॉट आउट था और सेकंड मैच में माशाल्लाह बहुत अच्छा जब फाइनल था मे बी फाइनल में माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला और हम जीत के और मेरे कैप्टन इमरान अरिंग जिन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया और माशाल्लाह वो अक्सर हमें सपोर्ट करते रहते हैं और और मेरे और ऐसी प्लेयर हैं जिसमें तोसीफ़ मलिक वो मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड भी है और माशाल्लाह वो भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है और और ऐसे फ्रेंड हैं माशाल्लाह लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूसीसी के साय के तले माशाल्लाह हम कामयाबियाँ समेट रहे हैं और इन श्रह समेटते रहे हैं इसका सारा क्रेडिट निशान सर और मैडम रुस्खाना को जाता है ये जो आपने गले मेडल पहने हुए हैं ये आपने मेडल कब विन किए थे जी ये मेडल ये जी ये मेडल एक तो ये पाकिस्तान चैम्पियन लीग था और एक और मेडल था वो टी का तो ये अल्लाह पाक ने इज्जत दी और कामयाबियाँ दी और ये बस उस ऊपर वाले ज़ात का करम है बकाया मैं तो बड़ा आम सा बनता हूँ और ये जो ये जो मैं ये आप देख रहे हैं ये जो बड़ा माशाल्लाह ट्रॉफी पड़ी है ये मुझे टी टेन में मैन ऑफ द मैच पे मिली और मैं अक्सर खुदा से यही दुआ करता था नमाज पढ़ के और मैं एक सबसे बड़ी बात करना चाहता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ इसकी वजह से सब कुछ है पाँच वक्त की कोशिश करता हूँ पढ़ूँ और अल्लाह पढ़ाता है नीयत साफ़ हो तो बेड़े पार होते हैं और मैं किसी के हक़ में कभी बुरा नहीं सोचता सब के हक़ में दुआ करता हूँ तो इसी लिए परदिगार ने मुझे कामयाबियाँ दी तो बस तो पी एस एल सब आने वाली है जी जी तो किसका सपोर्ट करेंगे जी ज़्यादा तो चांस है लाहौर सिकंदर को सपोर्ट करने का नहीं लाहौर सिकंदर इतना सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम लाहौरी हैं लाहौर के हैं तो फिर लाहौर कलंदर को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इसीलिए ताकि लाहौर महाराज जीते और लाहौर लाहौर बिल्कुल जी लाहौर लाहौर है अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो डिसेबल जो होता हो जाता ना बंदा जो हो उसको अच्छा नहीं समझते वो कहते हैं कि यार क्या इसके पास चल जाएंगे काम करवाएगा व्हील चेयर पर बैठा है तो क्या जी मुझे फलानी जगह पे छोड़ आओ ऐसी बहुत सारी बातें हो जाती हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जी आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया तो असल में काफ़ी लोग ऐसे हो गए हुए हैं मेरे कई फ्रेंड हैं वो कई ऐसे हो गए हैं लेकिन कई सारे नहीं जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं वो भी मेरे साथ हैं जैसे बताया था आपको शायद बट और काफ़ी फ्रेंड्स तो उनके लिए पैगाम है देखिए इंसान के साथ हादसा कभी भी हो सकता है अब देखें आप यकीन माने मैं, मैं मेट्रो बस पर खुद जाता हूँ ठीक है कई लोग हेल्प करते हैं अब कई इंसान है व्हील चलाता रहता है काफ़ी देर तक तो थक जाता है हाथों से चलना और टांगों से चलना ज़मीन आसमान का फ़र्क है ठीक है अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है तो कई लोगों को कहता हूँ कई हेल्प करते थे कहीं नहीं भी करते कभी ऐसा मौका होता है कि इंसान बहुत थका होता है तो मैं कहता हूँ सर आप उधर जा रहे हैं मुझे भी ले जाएं तो कहीं नहीं नहीं, नहीं लेके जाते तो फिर मैं कहता हूँ यार बस देखो क्या कहें लेकिन फिर मैं तेज़ व्हील करके उनको कहता हूँ भाई आप आके बैठ जाएं आगे मैं आपको छोड़ देता हूँ तो आप हकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि जो हुकूमत होती है जो ऐसे डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जो है एक मंथली जो है ऐसे लग्जराई लगते हैं कि जिससे उनको तो थोड़े बहुत जो पैसे मिलते रहते हैं कहीं ना तो कहीं से कोई डोनेशन मिलती रहती है तो आप हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे जी मैं हुकूमत वक्त को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर हमें जितने भी स्पेशल पर्सन हैं उनके लिए जॉब प्रोवाइड्स की जाए बेसिकली हमें जॉब्स चाहिए कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और ना फैलाना चाहते हैं कभी भी हम खुद करना जानते हैं अपने वो है एक शेर है क्या डबोएगा वक्त का गहरा दरिया हमको हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं हम अपना आप अप मनवाना जानते हैं और सबसे बड़ी ये बात है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते ठीक है और हमें जॉब्स चाहिए ताकि हम जॉब्स करें अपना खुद करें और मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपना काम करते हैं जॉब्स करते हैं ठीक है तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि स्पेशल पर्सन के लिए भी कुछ सोचा जाए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम डिसेबल नहीं हैं हम स्पेशल हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें स्पेशल बनाया हुआ है तो अल्लाह पाक का जैसा करम है तो हम उसकी रज़ा में राजी हैं खुश हैं आप देख सकते हैं कि मैं वाकई खुश हूँ यू नो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अकेर और दूसरी हकारत की नज़र से ना देखा जाए हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं हम भी पाकिस्तान के बाइजत शहरी हैं और हम भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं ठीक है और करते भी हैं और ख़ास तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग तो चल के भागते हैं हम तो व्हील चेयर पर चल के आपसे तेज़ भागेंगे तो पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन करेंगे क्योंकि पाकिस्तान जान है शान है आन है पाकिस्तान जिंदाबाद